अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एसएलएस स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यू विल ऑल राइट। टुडे आवर एसएसटी पीरियड स्टार्ट क्लास 5 एंड लेक्चर नंबर 8। सो ओपन योर बुक्स पेज नंबर 72। जी पेज नंबर 72। कल जो है हमने इसका लाइफस्टाइल वी डिपेंड ऑन अदर्स जो है इसका पढ़ रहे थे, तो इसकी ये थोड़ी सी रीडिंग रह गई, हम कंप्लीट करते हैं। इन सम कंट्रीज, कुछ मुल्क में दीज आर मेड मोर चीपली एंड प्रोड्यूस्ड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज। बहुत जो है चीपली का मतलब बहुत सस्ती चीज़ें बनाते हैं, एंड प्रोड्यूस्ड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर यानी दूसरे मुल्कों को भेजते हैं। द प्रोड्यूसिंग कंट्री इन टर्न मे वॉन्ट टू इम्पोर्ट अदर आइटम्स। जो कह रहे हैं कि जो प्रोड्यूसिंग कंट्री होती हैं, ममालिक होते हैं, टू टर्न मे वॉन्ट, वो चाहते हैं कि जो है इम्पोर्ट करें दूसरी चीज़ें, विच दे देम सेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस, जो कि वो दूसरों को खुद जो है वो नहीं बना सकते। इन दिस वे कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर डिपेंडेंट करते हैं। अब ये देखते हैं गुड्स यानी चीज़ें कौन कौन सी हैं, एक्सपोर्टिंग कंट्री कौन सी है और इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं। तो एक्सपोर्ट यानी जो है भेजे जाते हैं और इम्पोर्ट यानी हम मंगवाते हैं। आप देखते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल सच एज राइस मीट कॉटन, तो ये जो है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, भेज रहे हैं एशियन कंट्रीज़ को, और इम्पोर्ट जो है जिनसे ले रहे हैं वो यूरोपियन को, ठीक है। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स टीवी सेट्स ईटीसी आर ह्यूज रेंज ऑफ चीपली प्रोड्यूस्ड आइटम्स चाइना, ठीक है। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स टीवी सेट्स, ये जापान से और बन रहे हैं, और जो है ये इम्पोर्ट किसको हो रहे हैं, यूरोप द यूएसए एशिया, ठीक है, उनको इम्पोर्ट किया जा रहा है। अ ह्यूज रेंज ऑफ चीपली प्रोड्यूस्ड आइटम चाइना, यानी यहाँ पे बन रही है और भेजी कहाँ पे जा रही है, इम्पोर्ट किनको की जा रही है, ऑलमोस्ट द होल वर्ल्ड, तकरीबन पूरी दुनिया को भेजी जा रही है ये चाइना की चीज़ें। ऑयल ये जो है द मिडल ईस्ट में एक्सपोर्ट हो रहा है यानी बन रहा है, और इम्पोर्ट यानी भेजा किनको जा रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग चाइना, यानी चाइना समेत सारे दुनिया को भेजा जा रहा है। हैवी मशीनरी ये यूरोप में तैयार हो रही है, और इम्पोर्टिंग कंट्री कौन सी है जिनको भेजा जा रहा है, एशियन कंट्रीज, तमाम ही एशियन कंट्रीज़ को। तो ये आपने देख लिया। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। जी अपनी जो है आप एसएसटी की नोटबुक्स ओपन कर लें, डेट डे मेंशन कर लें, जी 25 जून और थर्सडे। तो ये जो है पहला क्वेश्चन हम कर लें, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन 3 तक हमने कर लिया था। राइट सम ऑफ पाकिस्तान, राइट सम एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स जी कौन कौन सी हैं, जो चीज़ें पाकिस्तान में बन रही हैं और वो भेज रहा है, यानी राइस जो है वो टू मिडल ईस्ट को भेज रहा है, कॉटन जो है टू जापान एंड द यूएसए को भेज रहा है, लेदर यूरोप, और सर्जिकल जो है इंस्ट्रूमेंट द यूरोप एंड द यूएसए, ठीक है। ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। आप देखें हमारा नेक्स्ट जो है वो चूज़ द बेस्ट आंसर है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट लेदर टू डैश, किसको जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, यूएसए, यूरोप, मिडल ईस्ट या जापान, तो इसका करेक्ट आंसर है यूरोप। नेक्स्ट है नंबर 2, पाकिस्तान इंपोर्ट ऑयल फ्रॉम, किसको जो है किससे इंपोर्ट कर रहा है, किससे ले रहा है, मिडल ईस्ट से, यूरोप से, जापान से, यूएसए से, तो करेक्ट आंसर मिडल ईस्ट। नेक्स्ट है द वर्ल्ड नेशन आर आल्सो जो है वो डिपेंडेंट होता है, इंटरडिपेंडेंट है या इम्पोर्टेंट है या एक्सपोर्ट है, ये इंटरडिपेंड, इम्पोर्टेंट और एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये जो है इंटरडिपेंडेंट आ जाएगा। नंबर 4 है पीपल डू नॉट मेक देयर ओन फॉर्म डैश हाउस प्रोडक्ट्स इक्विपमेंट और फैसिलिटीज, तो ये आएगा इक्विपमेंट, ठीक है। तो ये जो है हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।